हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज प्रिंसी गुप्ता एंड यू आर वाचिंग प्रीटी प्रिंसी टीवी। जैसा कि आपको पता है कि मैंने डॉक्टर शिखा सिंह की डाइट को क्विट कर दिया बिकॉज ऑफ सम रीजंस एंड आई कांट परस्यू मोर, सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मुझे कोई सस्टेनेबल डाइट के साथ में जाना चाहिए। सो मैंने इसीलिए रुजुता दिवेकर मैम की चूज की हुई है एंड इट इज सस्टेनेबल फॉर मी बिकॉज मैं इसको बहुत इजीली कर पाऊंगी। तो आज मेरा डे नंबर फर्स्ट है और चलते पहले मौसम का बाहर देख लेते हैं क्योंकि गाइस बहुत हवा चल रही है इस टाइम। आई थिंक आंधी आई हुई है, सो हियर यू कैन सी। सो आंधी आई हुई है, काफी हवा चल रही है, मे बी आपको हवा का साउंड भी आ रहा हो। सो इट्स करंटली 8 एंड आई नो कि मैं थोड़ा सा लेट हो गई हूँ बट ठीक है चलेगा यार, क्योंकि कल मैं शॉपिंग करने गई थी तो बहुत टायर्ड हो गई थी और मतलब एक्सट्रीम वाला, तो मैं सोती रही, मैं जा नहीं पाई, बट ठीक है यार अभी चलते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आज लेमन वाटर लेने वाली हूँ। One hour later. Okay, so now it's a breakfast time and breakfast में मैंने लिया हुआ है पोहा। So here you can see and मैंने बहुत ही कम ऑयल में बनाया हुआ है। So yes, मैं breakfast अभी अपना finish करूँगी and आज बहुत गर्मी है guys। मैं क्या ही बताऊँ आपको, मैंने आज रेसिपी का ब्रीफ भी नहीं कर पाई हूँ। अच्छा, सो जस्ट इग्नोर इट, मैं आपको किसी और से ब्लॉग में रेसिपी पोहा की बता दूंगी। वैसे तो मैंने अपने चैनल पे बहुत बार बताया है। सो या मैं अभी अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करूंगी एंड ऑल्सो गाइस मैं ब्रेकफास्ट को 32 टाइम्स च्यू करके खाऊंगी। गर्मी की वजह से स्वेटिंग देखो कितनी ज्यादा हो रही है। ओ भाई चलो चलो चलो। टाइम फॉर मिड स्नैक्स एंड इट्स करंटली 12। सो मैं यहाँ पे ले रही हूँ मैंगो शेक एंड वन थिंग गाइस, मैंने इसमें शुगर बिल्कुल भी ऐड नहीं की हुई है, बिल्कुल अवॉइड की हुई है, विच इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। सो अगर हो सके आपसे तो आप शुगर अवॉइड कर सकते हैं। सो अभी मैं इसको एंजॉय करती हूँ। ओके गाइस, तो मैंने अभी अपना मैंगो शेक फिनिश कर लिया है। सो अब मैं थोड़ा बहुत व्लॉग एडिट करूंगी एंड डे काफी बोरिंग है आज क्योंकि कल तो हम लोग गए थे शॉपिंग करने। सो उसके मैंने कपड़े मतलब एक दो बार देख लिए। डेफिनेटली अगर आपको हॉल चाहिए तो फिर मैं पूरा हॉल ले आऊंगी, इसको मुझे सूट करना पड़ेगा। सो मैं बस वही अपने कपड़े वगैरह देख रही थी एंड काफी एक्साइटेड थी यार, और कल की मतलब ऑब्वियसली थके हुए तो ज्यादा कुछ बोरिंग डे है एक्चुअली, मैं कुछ खास हो नहीं रहा बट फिर भी यार इट्स गोइंग अमेजिंग है। चल झूठा, बट काफी ठीक है गाइस एंड मैंगो शेक पीने के बाद में मैं थोड़ा सा ऐसे लेट गई थी, बेसिकली मैं अपना व्लॉग ही एडिट कर रही थी तो उसके बाद में तो मैंने कुछ शूट किया नहीं। सो डेफिनेटली 2 आवर्स हो गए हैं। सो अभी मैं जाकर अपना लंच करूंगी एंड लंच में आज मम्मी ने बनाया हुआ है दाल चावल सब्जी रोटी। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। तो ये मेरा नॉर्मल लंच होने वाला है। रुजुता मैम की जो डाइट है ये काफी मतलब सस्टेनेबल है मेरे लिए क्योंकि इंडियन फूड है डेफिनेटली, और घरों में इंडियन फूड ही बनता, मुझे कुछ अलग से नहीं कुक करना पड़ेगा एंड मेरा भी मतलब थोड़ा सा यार फ्री डे हो गया, मतलब मुझे कुछ काम खास करना नहीं पड़ेगा, मैं अपना कुछ और भी काम कर लूंगी विच इज गोइंग गुड फॉर मी एक्चुअली। हाँ तो ठीक है मतलब मेरे लिए अभी। चलो चलो चलो। एंड वैसे अगर मैं जब फ्री होती हूँ तो मैं तो फिर अपने लिए कुक कर ही लेती हूँ बट स्पेशली आई डोंट वॉन्ट टू कुक फॉर माई डाइट एक्चुअली। सो या सो दैट्स वाई मतलब मैंने सोचा कि अभी मैं चेंज ही कर देती हूँ, रोजिता मैम की डाइट करूंगी अभी मैं। ओके या गाइस अभी चलते हैं लंच करेंगे चलकर। ओके सो आज मैंने लंच में लिया हुआ है पीली वाली दाल है, मतलब अरहर की दाल ली हुई है एंड करेला की सब्जी है और सीजनल पिकल लिया हुआ है। सो जो भी आपके सीजन में अवेलेबल हो आप ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे लघेड़े का अचार लिया हुआ है एंड मेरा फेवरेट भी है यार। अगर आप लोग इसे ट्राई कर रहे हैं गाइस सो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स एंड आई एम क्यूरियस यार कितने लोग जानते हैं। सो मैं बहुत ही स्लोली स्लोली खाना खा रही हूँ गाइस, एकदम आसन लगा के बैठी हुई हूँ जैसा रुजुता मैंने बताया था। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। एंड ऑल्सो गाइस मैं एक्चुअली इनकी डाइट काफी अच्छी तरह से फॉलो करूंगी, अभी मैं देखूंगी मुझे क्या रिजल्ट मिलता है क्योंकि
नॉर्मली मैं इतना ही खाना खाती हूँ, बट ठीक है मैं अभी थोड़ा सा टाइम से करके देखूंगी डाइट, देन मुझे पता चल जाएगा एक्चुअली में कैसी है इनकी डाइट। तो एक्चुअली में ये बात मुझे बतानी थी आपको। अच्छा सो यार गाइस अभी मैं अपना लंच फिनिश करती हूँ। मच 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 लेटर। ओके गाइस सो नाउ इट्स इवनिंग टाइम एंड मतलब लाइट आने रही गाइस, मे बी आपको फैन का साउंड आ रहा होगा, सो जस्ट इग्नोर इट क्योंकि फैन ऑन कर रखा है। गर्मी बहुत ज्यादा हो रही है एंड इट्स करंटली आई थिंक 5, सो अभी मैं जाऊंगी अपना कुछ इवनिंग स्नैक्स रेडी करूंगी। और वैसे भी गाइस मैं लंच करने के बाद में सो गई थी, तो मेरा ऐसा मन हो रहा कि यार कुछ चटपटा खाया जाए, सो दैट्स व्हाई चलते हैं किचन में एंड रेडी करते हैं थोड़ी सी लहिया और लाइक रोस्टेड चने। तो या बेसिकली मैं लहिया चना बनाने वाली हूँ, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एंड जो भी नमकीन का मेरा मन होगा अंदर से वो भी मतलब सेटिस्फाई हो जाएगा, फिर उसका भी नहीं आएगा मन। तो ठीक है अभी चलते हैं। बट वन थिंग आई मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि लहिया का जो पोर्शन है वो मैं बहुत ही थोड़ा लूँगी, कंट्रोल्ड पोर्शन लूँगी, और चना आप ले सकते हैं क्योंकि चना तो काफ़ी अच्छा होता है हेल्थ के लिए। सो अब चलते हैं किचन में। सो बहुत ही टेस्टी भेलपूरी मैंने बनाकर रेडी कर ली है और आई नो कि पोर्शन इसमें ज़्यादा हो गया, लाइक रेशियो इसमें ज़्यादा हो गया, पोर्शन नहीं मुझे बोलना चाहिए, रेशियो, पोर्शन इज नॉट अ करेक्ट वर्ड हियर, सो रेशियो ज़्यादा हो गया बेसिकली। तो रेशियो ज़्यादा हुआ ऑब्वियसली बात है गाइस कि प्रोडक्ट भी ज़्यादा बनेगा, है ना। सो मम्मी को मैं खिला दूंगी एक्चुअली में, मैं जितना मैं खाऊंगी उतना मैं खाऊंगी, बट बहुत टेस्टफुल बनी हुई है यार, मैंने इसमें चिली ऐड की हुई है और नमक मैंने थोड़ा कंट्रोल में डाला है, ऑल्सो टोमेटो की वजह से इसमें थोड़ा सा अच्छा टेस्ट आया हुआ है। भाई एकदम मार्केट जैसी लग रही है देखने में यार, यहाँ देखो ये देखो बहुत टेस्टफुल। ओके गाइस सो नाउ इट्स टाइम फॉर डिनर एंड इट्स करंटली 8, सो अभी मैं जा रही हूँ अपना डिनर करूंगी एंड डिनर में आज मैं ले रही हूँ टर्मरिक वाला मिल्क। सो बेसिकली मैं डिनर में मिल्क पीऊंगी, सो यस मिल्क को तो मैंने ल्यूक वॉर्म कर लिया है एंड अभी मैं इसमें टर्मरिक ऐड करूंगी, अभी मैंने ऐड नहीं की हुई है गाइस, सो हियर यू कैन सी। सो अभी इसमें ऐड करते हैं टर्मरिक को एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। सो अगर आप लाइक नॉर्मल वाला मिल्क लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं एंड मैं यहाँ पे 1 pinch के करीब टर्मरिक ऐड कर रही हूँ। ओके गाइस मैं पहले स्लीप पे बैठती हूँ देन ओके सो मैं भी स्लीप पे बैठ चुकी हूँ गाइस एंड मिल्क मैं ले रही हूँ यहाँ पे, मिल्क में मैंने टर्मरिक ऐड कर ली है एंड काफी अट्रैक्टिव लगता है यार ये वाला मिल्क मुझे, आई डोंट नो व्हाई बट आई जस्ट लव दिस मिल्क एंड स्लीप यार काफी ऊंची है, मैं ऐसे झुक जाती हूँ जैसे ही मैं नीचे लेग रखती हूँ। ओके नाउ आई एम काफी टेस्टी है यार, सो अभी मैं अपना डिनर फिनिश करती हूँ गाइस एंड देन मैं आपसे मिलती हूँ। ए फ्यू मोमेंट्स लेटर। ओके गाइस सो नाउ आई हैव फिनिश्ड माय डिनर एंड एक्चुअली आज मैंने कुछ व्लॉग कम कर पाए हैं, डेली से अगर आप डेली की कंपैरिजन में कहोगे सो डेफिनेटली मैं ये चीज एक्सेप्ट करती हूँ, आई एक्सेप्ट दिस एंड इफ आई टॉक अबाउट टुडेज व्लॉग, सो आज मुझे कुछ ज्यादा व्लॉग करना था बिकॉज आज मैंने रुजुता मैम का लाइव फर्स्ट डे अटेम्प्ट किया है फर्स्ट शो जैसा कि आपने देखा है, और आज के व्लॉग में एक्चुअली मैंने आपको सारे के सारे मील्स दिखाए हैं एंड ऑल्सो लाइक ज्यादा व्लॉग का एक रीजन ये आप कह सकते हैं उसके पीछे बहुत रीजन है, आई वॉज टायर्ड यार, लैक ऑफ एंथुजियाज्म, आई डोंट नो व्हाई बट आई फील सो दैट्स व्हाई मतलब आज मैं थोड़ा सा कम व्लॉग कर पाई थी, बट ठीक है गाइस इतना चलेगा, कभी लो कभी हाई, इट्स अ नॉर्मल फॉर मी एक्चुअली। ओके गाइस सो नाउ इट्स टाइम फॉर शेयर माय एक्सपीरियंस ऑफ टुडेज डाइट, लाइक हाउ आई फील और हाउ आई स्पेंड माय डे विद दिस डाइट और हाउ आई एंजॉय दिस डाइट, एक्चुअली आई थिंक यू शुड नो ऑल दीज काइंड्स ऑफ आंसर्स, सो दैट्स व्हाई आई थिंक कि मुझे यार बताना चाहिए। सो अगर मैं आज की डाइट की बात करूँ गाइस रुजुता मैम की, तो रुजुता मैम की डाइट जो है वो बहुत ही सस्टेनेबल है और आप लाइक आराम से कर पाओगे, आपको मतलब माइंड में एक प्रेशर नहीं रहेगा, मतलब आप रुस्ता मैम की डाइट को कर पाओगे कंटिन्यू। एंड वैसे गाइस अगर मैं रुस्ता मैम की बात करूँ तो रुस्ता मैम भी यही लाइक रिकमेंड करती हैं कि आप कोई एक ऐसी डाइट करो कि जिसको आप 5 years तक लाइक आप कर पाओ, मतलब बेसिकली आप टिके रहो, उनकी डाइट का यही मोटो होता है कि अगर आप कोई डाइट कर रहे हैं तो क्या आप इसके ऊपर काम कर पाओगे, क्या आप रेगुलर परस्यू कर पाओगे। सो अगर आप कोई भी डाइट कर रहे हैं अगर आप रेगुलर परस्यू कर पा रहे हैं तो काफी अच्छी बात है गाइस। तो अगर मैं आज की बात करूँ गाइस कि आज मैंने कैसा फील किया तो मतलब नॉर्मल है, जैसा हम लोग रेगुलर बेसिस पे खाना खाते हैं वैसा ही रुस्ता मैम भी सजेस्ट करते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है,
रुस्तम मैम की डाइट की। अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप कोई और काम करते हैं, बेसिकली अगर आप वर्किंग मैन हैं, तो आपके लिए ये वाली डाइट काफी सस्टेनेबल होगी। आपको इसमें कुछ अलग से नहीं यार कुक करना, क्योंकि कई बार होता क्या है, हम लोगों के पास में उतना इनफ टाइम नहीं होता यार सफिशियंट कि हम लोग कुछ अपनी डाइट के लिए अलग कुछ कुक करें। सो उतना सफिशियंट टाइम होता नहीं है यार, उतने टाइम में तो हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं। सो दैट्स वाई रुस्तम मैम की डाइट मुझे अच्छी लगी, तो मैंने सोचा यार अभी इनकी डाइट पे स्टिक करना चाहिए मुझे, एंड देन मुझे देखना चाहिए कि क्या इनकी डाइट से मुझे रिजल्ट से मिल रहे हैं। और डेफिनेटली गाइस, रुस्तम मैम जो है वो बायोलॉजिकल लेवल पे बात करती हैं, उनकी बातें मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत लॉजिकल भी लगती है। वो बेसिकली नाउ यू कैन अंडरस्टैंड लाइक मैं अभी क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। ये क्या बात करता है यार। ये था मेरा आज का ब्लॉग। एंड ऑल्सो गाइस, अगर आपने मुझे अभी तक इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है, सो जस्ट गो एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। मैं अपनी इंस्टाग्राम की आईडी मेंशन कर दूंगी स्क्रीन पे एंड लिंक इन डिस्क्रिप्शन, सो यू कैन गो एंड चेक इट आउट वेरी इजिली। एंड या ये था मेरा आज का ब्लॉग। एंड कैसा लगा आपको मेरा ये वाला ब्लॉग? सो इफ यू लाइक माई ब्लॉग देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड ऑल्सो शेयर दिस इंटरेस्टिंग ब्लॉग विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, एंड सी ऑन द नेक्स्ट इंटरेस्टिंग ब्लॉग। एंड तब तक के लिए मिस मी गाइज, एंड मेरे पुराने वाले ब्लॉग्स देखिए, एंजॉय करिए। सो या नाउ बाय।